महाराष्ट्र हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने जेल में सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखकर तत्काल रूप से नवनीत राणा को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। पत्र में उनके वकील ने लिखा है कि निर्दलीय सांसद नवनीत को स्पोंडिलोसिस की समस्या है और लगता है उनकी परेशानी बढ़ रही है, इसलिए उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाए। 29 अप्रैल को लिखे गए पत्र का खुलासा अब हुआ है, लेकिन अब तक जेल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सांसद के वकील रिजवान मर्चेंट ने इस पत्र की एक कॉपी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी भेजी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर जेल में एक प्रतिनिधि की हालत बिगड़ती है या फिर उसे इससे संबंधित कोई समस्या होती है जो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जेल प्रशासन ही होगा। पत्र में आरोप लगाया गया है कि नवनीत राणा को कई घंटों तक जमीन पर बिठाया गया और उन्हें जमीन पर ही सोने को मजबूर किया गया, जिससे उन्हें स्पोंडिलोसिस का दर्द हुआ। पत्र में कहा गया है कि दर्द की शिकायत के बाद कई बार बोलने पर उन्हें जेजे अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां से सीटी स्कैन की बात कही गई जिसकी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। बता दें कि 29 अप्रैल को कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध किया था। पुलिस की तरफ से लिखित में दिए आवेदन में कहा गया था कि जेल से बाहर निकलकर राणा दंपति केस को अपने तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। धारा 149 का नोटिस के बावजूद भी राणा दंपति ने राज्य सरकार को चुनौती दी थी, इसलिए कोर्ट से अपील है कि इनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। बता दें कि नवनीत राणा भाईखला महिला जेल और रवि राणा तलोजा जेल में बंद है। 23 अप्रैल को उन्होंने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। उन्होंने बाद में ये फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद हजारों की संख्या में शिव सैनिक वहां जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुंबई पुलिस की मांग और अदालत में ज्यादा पेंडिंग केस होने के कारण इनकी जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी गई थी। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।